ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इससे पहले हम एक पॉइंट पढ़ेंगे द पॉइंट इज प्लांट्स नीड लाइट वॉटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सूटेबल टेम्परेचर फॉर हेल्दी ग्रोथ अगर प्लांट्स ने हेल्दी ग्रोथ करनी है तो उनको किन चीजों की जरूरत है नंबर वन इज लाइट उनको लाइट की जरूरत है उनको वॉटर की जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है मिनरल्स की जरूरत है और एक सूटेबल टेम्परेचर की जरूरत है अब ये जितनी भी चीजें हैं अगर हमारे प्लांट को मिलेंगी तभी वो ग्रो करेगा अगर इसमें से कोई एक भी चीज उसको नहीं मिलती तो हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर सकता अब नॉर्मल एक बाहर की एनवायरनमेंट में मतलब ओपन एयर में या फील्ड्स में गार्डन में ये तमाम चीजें मिलना आसान है और मिल भी जाती है हमारे प्लांट्स को अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो होता कुछ यूं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्लास लगा दिए जाते हैं और एक घर की तरह बना दिया जाता है प्लांट्स के लिए मतलब एक इनक्लोज इन्वायरमेंट में प्लांट्स को उगाने का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा फैक्टर्स लाइक ड्रॉट फ्लड फ्रॉस्ट विंड एंड हीट वेव्स अफेक्ट क्रॉप्स या फिर हम कह सकते हैं इट अफेक्ट्स आवर प्लांट्स कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या हम कह सकते हैं हार्श वेदर कंडीशंस हैं जो कि हमारे प्लांट्स को अफेक्ट कर सकती हैं इसमें पहले मैंने लिखा ड्रॉट ड्रॉट होता है पानी की कमी अगर तो पानी की कमी हो किसी जगह पे जैसे किसी डेजर्ट में तो क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं उनको पानी नहीं मिलता और वो सर्वाइव नहीं कर पाते उसके बाद मैंने लिखा फ्लड कुछ एरियाज़ में जब फ्लड आता है तो होता यह है कि प्लांट्स सारे डैमेज हो जाते हैं उनकी रूट्स जो है वो गल जाती हैं और वो सरवाइव नहीं कर सकते फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा ठंड में भी हमारे जो प्लांट्स हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते विंड वैसे तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे प्लांट्स के लिए मगर अगर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही हो जैसे टोर्नेडोज में या फिर स्ट्रॉम में तब ये होता है कि हमारे जो नाजुक प्लांट्स होते हैं वो टूट सकते हैं और अपनी जड़ों से उखड़ सकते हैं फ्रॉम द सॉइल द लास्ट इज वेव्स ऐसा होता है कि हीट वेव्स आती हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ये जो बहुत ज्यादा हीट है, मतलब है, तो का, मतलब का है, है काफी हो जाता है ज्यादा हीट की वजह से सॉइल भी ड्राई हो जाएगा और ट्रांसपारेशन की वजह से हमारा जो प्लांट है वो डिहाइड्रेट करके मर जाएगा तो ये जितनी भी कंडीशंस है ये हमारे क्रॉप्स को या हमारे प्लांट को अफेक्ट कर सकती है ये तभी अफेक्ट करेंगी अगर हमारा प्लांट एक ओपन एनवायरमेंट में हो अगर ये प्लांट किसी इनक्लोज एरिया में हो तो इसमें से कोई भी चीज उसको अफेक्ट नहीं करेगी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन हाउस अफेक्ट अब ग्रीन हाउस अफेक्ट के लिए होता कुछ यूं है कि ग्लास लगा के वो उस जगह को बंद कर देते हैं ग्लास से लाइट तो क्रॉस हो जाती है मगर बाकी जितनी भी ये कंडीशन है इनसे हमारा प्लांट बच जाता है ग्लास के बजाय ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला तरीका है पॉलीथीन पॉलीथीन को मेटल की स्टैंड के ऊपर लगा के इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा चीप तरीका है और यह पोर्टेबल भी है मतलब ग्लास को उठा के किसी और जगह लेके जाना मुश्किल है मगर जिस तरह वो पॉलीथिन को जो कि बहुत सस्ता मिलता है उसको मेटल के स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं तो वहां उनको सिर्फ हल्के से स्टैंड्स को कैरी करना पड़ता है तो ज्यादा कॉमन तरीका है बाई यूजिंग पॉलीथिन स्टैंड और इनको हम कहते हैं पॉली टनल्स तो आपको पता चल गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है आइए देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं सो so, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस को एडवांटेजेस में सबसे पहले मैंने लिखा इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशंस, जो मैंने पिछले बोर्ड पे डिस्कस की वेदर कंडीशंस, जिसमें फ्लड भी हो सकता है स्टॉर्म भी हो सकता है ज्यादा बड़ी हीट वेव्स, मतलब गर्मी भी हो सकती है और फ्रॉस्ट मतलब बहुत ज्यादा ठंड भी हो सकती है ये तमाम जो कंडीशन है ये हमारे प्लांट को तभी अफेक्ट करेंगी अगर हमारा प्लांट एक ओपन इनवा में ग्रो कर रहा हो अगर वो एक एरिया में है तो आराम से उस इनक्लोज एरिया का टेम्परेचर किया जा सकता है तो ग्रीन हाउस में अगर हमने वेदर कंडीशन से किसी प्लांट को बचाना हो तो हम उसको ग्रीन हाउस में ग्रो कर सकते हैं सेकेंड एज इट प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट ओपन एरिया में तो आपको पता है कहीं से भी कोई भी इंसेक्ट आ सकता है या फिर कोई वाइल्ड जड़ी बूटी जो है वो उग सकती है हमारे के बीच में मगर अगर ये इनक्लोज एरिया हो तो हम इन तमाम चीजों से अपने क्रॉप को बचा सकते हैं थर्ड इज प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन से प्रिवेंट करता है ग्रीन हाउस किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होती है बाय इंसेक्ट्स अगर ये क्लोज एरिया में प्लांट्स की ग्रोथ है इसका मतलब की इनक्लोज एरिया के अंदर इंसेक्ट्स का आना बहुत मुश्किल है अगर इस इनक्लोज एरिया में इंसेक्ट्स बाहर से नहीं आते और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर नहीं होता तो ये हमें क्रॉप के मामले में बेनिफिशियल है अब हमें नॉर्मल प्लांट्स में तो पॉलीनेशन चाहिए होती है पॉलिनेशन इज एक्चुअली द फिनना जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है और एक स्पीसी जो है वो जिंदा रहती है अब प्लांट्स में अगर हमने क्रॉप्स उगाए हुए हैं तो क्रॉप सेम टाइप के हैं और उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हमारे क्रॉप की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है इसीलिए जब इंसेक्ट्स इनक्लोज्ड ग्रीन हाउस में नहीं आ सकते और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती तो हमारे क्रॉप्स जो हैं इस डायवर्सिटी से बच जाते हैं उसके बाद मैंने लिखा इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा हीट एंड लाइट टू प्लांट्स अब प्लांट्स को जरूरत होती है हीट की भी और लाइट की भी इस इन एरिया में हम प्लांट को जितनी चाहे, हीट भी दे सकते हैं और जितनी चाहे लाइट वो भी हम आर्टिफिशियल सोर्सेस से दे सकते हैं क्योंकि फोटोसेंथिस के लिए वो जो सन लाइट का इस्तेमाल करते हैं उनमें उनको चाहिए होती है रेड लाइट और ब्लू लाइट तो ग्रीन हाउस में हम आर्टिफिशियल सोर्सेस से इनको लाइट फराहम कर सकते हैं हीट के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई जगह बहुत ठंडी है कोल्डर रीजन में अगर कोई तरह का क्रॉप हमने उगाना हो जिसको चाहिए होती है वार्म एनवायरमेंट टू ग्रो तो हम ग्रीन हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रीन हाउस के इस्तेमाल से हम कोल्डर रीजन्स में वार्मर क्लाइमेट के क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं तो ये फायदे थे हमारे ग्रीन हाउस अफेक्ट के एक और फायदा मैंने लास्ट में लिखा कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी एडेड टू एयर एंड मिनरल्स टू वाटर अब ग्रीन हाउस अफेक्ट में हर चीज आर्टिफिशियल तरीके से की जा रही है लाइट भी हम आर्टिफिशियली इनको दे सकते हैं टेम्परेचर भी हम आर्टिफिशियली उस एनवायरमेंट का ज्यादा कर सकते हैं इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी जरूरत होती है हमारे प्लांट्स को हम आराम से उस एयर में जो कि इनक्लोज एरिया में है वहां हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देंगे और हमारे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी अगर इनको चाहिए मिनरल्स तो हम मिनरल्स सिंपली उस वाटर में डिजोल्व कर देते हैं जो कि इनको फराहम किया जाता है उस इनक्लोज एरिया में तो आपको पता चल गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू हम किस तरह क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं या प्लांट्स को एक हेल्दी इनवायरमेंट दे सकते हैं टू ग्रो ये थे ग्रीन हाउस इफेक्ट के एडवांटेजेस ये तमाम एडवांटेजेस या बेनिफिट्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी मैं मगर वहां कोई डिसएडवांटेज एडवांटेज नहीं हालांकि ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज है हार्मफुल इफेक्ट है हमारी इन्वायरमेंट पे आइए देखते हैं कि वो हार्मफुल इफेक्ट क्या है यहाँ मैंने लिखा ग्रीन हाउस ऑफ द मेजर ऑफ़ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ओवरऑल हमारा जो प्लान है अर्थ उसके में इंक्रीज आना अब हमारे अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज ग्रीन हाउस की वजह से कैसे आ सकता है ग्रीन हाउस जो अफेक्ट है इसके थ्रू दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। नंबर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर टू इज मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को हम कहते हैं द ग्रीन हाउस गैसेज ये जो गैसेस हैं ये जब इनवायरमेंट में रिलीज हो जाती हैं तो वो एक ब्लैंकेट बना लेती हैं हमारे एयर में जाके इस ब्लैंकेट के अंदर जो यूवी रेज हैं मतलब अल्ट्रा वायलेंट रेज हैं हमारी सन की वो आके ट्रैप हो जाती हैं और हीट जो है वहां पे सस्टेन रहती है इसका मतलब कि बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में हीट जो है वो बढ़ जाती है इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग ओवरऑल ट के टेम्परेचर में वार्मिंग और साउथ पोल जाएंगे क्रॉप का भी प्लांट्स का भी और ह्यूमन लाइफ एनिमल्स का भी अब कितना नुकसान है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे प्लान में ये भी आपको पता चल गया और ये भी पता चल गया कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग मतलब इंक्रीज इन हीट ऑफ आवर प्लान हो रही है अब आपने काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में पढ़ लिए मुझे उम्मीद है की आपको तमाम कॉन्सेप्ट याद रहेंगे आज के लेक्चर के लिए इतना ही हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा खुदा खुदाफिज